गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। लास्ट वीडियो में हमने पोल्यूशन और एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बताएंगे एयर पोल्यूशन क्या है। तो व्हेन डस्ट पार्टिकल हार्मफुल गैसेस फॉर्म एंड स्मोक्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द एयर इट इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन। जब गंदा गैसेस जो है हार्मफुल गैसेस जो नुकसान पहुँचाता है, जैसे फैक्ट्री से निकलता हुआ गैसेस जो एयर को नुकसान पहुँचाता है, उसी को हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसमें नुकसान सिर्फ एयर को नहीं, साथ साथ इससे भी होता है ह्यूमंस को, एनिमल्स को, बर्ड, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल। इसमें ब्रीथ करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। देखिए, फॉरेस्ट आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू कीप द एयर क्लीन एंड ट्रीज सप्लाई ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। फॉरेस्ट क्या करता है, एयर को क्लीन और हेल्दी बनाता है और ट्री ऑक्सीजन सप्लाई करता है जो हमें जीने में सहायता होता है। दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड विच हार्म अस। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है जो हम लोग के लिए नुकसान पहुंचाता है। ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग रेनफॉल। ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग रेनफॉल, दस डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो फर्दर एड टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। ट्रीज से भी मतलब रेनफॉल होता है, माने बारिश बहुत ज़्यादा होता है, ये डिफॉरेस्टेशन का भी कारण बनता है जो एयर को पॉल्यूट करता है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन क्या है, जैसे कि आप लोग पहले क्लास में भी पढ़े थे, मतलब जब पानी में गंदगी, जैसे हम लोग कचरा को फेंक देते हैं या गंदा हो जाता है या फैक्ट्री से निकलता हुआ जो केमिकल है पानी में आके मिल जाता है, इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, इसे पीने के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन ऑल्सो मेक अस वेरी अनवेल। अगर हम लोग गंदा पानी को पीते हैं तो हम लोग इससे अस्वस्थ हो जाएंगे। इट इज़ कॉस्ड बाई फॉलोइंग फैक्टर। थ्रो वेस्टेज इंटू रिवर, जब हम लोग गंदा कोई भी प्लास्टिक वगैरह को नदी में या पानी में फेंकते हैं, या फैक्ट्री से निकलता हुआ केमिकल, या कपड़े धोने से भी होता है, जानवरों को तालाब या नदी में नहलाने से भी होता है, इससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। हाउ कैन वी लुक आफ्टर आवर प्लैनेट्स, हम लोग अपने प्लैनेट्स को किस तरह देख पाते हैं। टुडे पीपल्स आर बिकम मोर अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स पॉल्यूशन। वी मस्ट देयरफॉर लुक एट द सम वेज विच कैन रिड्यूस पॉल्यूशन एंड टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट। हम लोग कुछ तरीके को देखते हैं जिससे पॉल्यूशन रिड्यूस किया जाता है। सी वे टू रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब किस तरीके से पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, और वे टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन है, ये वाटर पॉल्यूशन है। सबसे पहला क्या कोशिश करना चाहिए, ट्राई टू ट्रैवल मोर बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लेस बाई पब्लिक कार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना चाहिए या बाइक में ट्रैवल करना चाहिए, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन कम होगा। वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा, फैक्ट्री शुड नॉट डंप द वेस्ट इनटू रिवर। फैक्ट्रियों को अपना गंदा जो भी केमिकल है उसको पानी में नहीं बहाना चाहिए। दूसरा, डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट ना करें। इसमें क्या है, यूज़ ओनली नेचुरल फर्टिलाइज़र फॉर योर प्लांट्स, सिर्फ नेचुरल चीज़ों से प्लांट्स का देखरेख करना चाहिए। तीसरा है प्लांट ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से। इसमें दिया हुआ है डू नॉट वॉश डर्टी क्लॉथ इन द रिवर और पॉन्ड, गंदे कपड़ों को नदी या तालाब में नहीं धोना चाहिए। रिसाइकल थिंग एज मच एज पॉसिबल, चीज़ों को दोबारा दोबारा यूज़ करना चाहिए जब तक कि वो यूज़ हो। इसमें दिया है बी केयरफुल ऑफ ऑयल लीक फ्रॉम द कार, मतलब तेल की कार की टंकी से जो तेल लीक होता है। ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म द ऑयल ऑन द ग्राउंड इज वास्ट इन टू रिवर, जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो वही ऑयल क्या होता है, वो पानी में बह के नदी में या तालाब में जाके मिक्स हो जाता है। यूज़ एज लिटिल इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड कुकिंग गैस एज पॉसिबल, जितना कम से कम इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और कुकिंग गैस का यूज़ कम किया जाए। इसमें डू नॉट थ्रो गार्बेज, गार्बेज को, कचरा को नदी में या तालाब में या समुद्र में नहीं बहाना चाहिए। डू नॉट लीव फैन, कंप्यूटर, बल्ब, टेलीविज़न और व्हेन नॉट इन यूज, जब काम में ना आए तो फैन, टीवी, इन सब, कंप्यूटर, बल्ब, इन सबको ऑफ कर देना चाहिए। इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम होता है।
इसमें डू नॉट थ्रो ऑयल एंड पेंट डायरेक्टली इनटू द सिंक एट होम. सिंक में भी डायरेक्ट तेल या पेंट को नहीं देना चाहिए, इससे भी क्या होता है ये गंदा होता है पानी. ठीक है, आज इतना ही बताते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ डू वी रिसाइकिल, रिसाइकिल कैसे करेंगे इसके बारे में समझाएंगे. आप लोग इस चैप्टर को जितना हम पढ़ाए हैं उतना दोबारा फिर से रीड कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. ठीक है, थैंक यू.